चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फुरकनगर की बावड़ी के अंदर, तो चलिए चल के अंदर से बावड़ी देखते हैं। चलिए बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूं मैं, आपको ऐसे तो नहीं देख पाऊंगा। देखिए इसका मेन गेट है और ये इसके ऊपर से रोड है, ये जो देख रहे हो आप इसके ऊपर से रोड है। कोई सुत नहीं सुनो, आ जाएगा मस्त है। ये देखिए चलिए नीचे चल के देखते, बहुत ही पुरानी बावड़ी है, एक शीश महल है इसके अंदर फुरकनगर के अंदर और एक ये बावड़ी है। चलिए इसके नीचे चलने का रास्ता देखते हैं, कुआं देख के आते हैं। ये इधर से ये भी है, यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा, पता नहीं अजीब तरह की यहाँ एक स्मेल आ रही है। चलिए इसके नीचे जाके देखते फिर इसके ऊपर चलेंगे। इसका इतिहास तो पता नहीं, मैंने गूगल करके देखा लेकिन कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया इसके बारे में। तो चलिए ये बावड़ी देखते हैं, कुआ कितना नहीं, कुछ ज़्यादा गहरा तो नहीं है, मैं तो सोच रहा था काफ़ी गहरा होगा। देखिए एक बार, इसके बाद हम चलेंगे शीश महल की तरफ, पहले एक बार ये बावड़ी देख लेते हैं, इसके ऊपर चल के भी देखेंगे। यहाँ पे लगता है साफ सफाई ज़्यादा नहीं होती है, जिसके अभाव में ये जर्जर होते जा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे ये बावड़ी, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। ये गुरुग्राम से जब जज्जर की ओर जाओगे, जज्जर से गुरुग्राम की ओर आओगे, तो आपको रास्ते में जब फुरकनगर के अंदर आओगे तभी गेट आपको दिखाई देगा, और इसके नीचे बावड़ी बनी हुई है। ये कुआं मैंने आपको दिखा दिया, यही है वो बावड़ी, कुआं नहीं है बावड़ी है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए इसके ऊपर चल जाने का भी रास्ता है और वहाँ चल के देखते हैं। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, तो चलिए ऊपर चलते हैं अब इसके। इधर से भी ये छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, वो खाला हो जाए ये गेट से। चलिए वैसे तो जर्जर से हो चुके हैं, देखिए कहीं गिरना से हमारे ऊपर ही। अरे वाह, वो रोड इसके ऊपर ही बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए बावड़ी, यहाँ का नज़ारा, देखिए वो रोड जो मैं गेट बता रहा था आपको, इसके अंदर से जाते हुए भी नजर आ रहे होंगे। देखिए वो सड़क, देख कितना खूबसूरत नजारा। चलिए इस मेन गेट के सामने से देखते हैं, इसके इतिहास के बारे में ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने गूगल पे बताया, मैंने आप गूगल भी किया लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चला इसके बारे में। क्या सुंदर दृश्य बना हुआ है, चलिए एक बार यहाँ देखते हैं इसके साइड में क्या है। कुछ दीवार तो देखिए कितनी ज्यादा बड़ी दीवारें हैं, चाइना की दीवार जैसी है। इसके ऊपर से बना हुआ है ये रोप वे, इसके ऊपर चढ़ने का
पैड़ियाँ बनी हुई है इसके ऊपर आने के लिए भी। मैं वहाँ गलत जगह से चढ़ गया। तो चलिए इसके बाद शीश महल के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर भी चलते हैं, वो सामने है, एक बार उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बारिश आ चुकी है, हम नीचे चलते हैं और चलते हैं शीश महल की तरफ, वो मेन बाजार की तरफ बताया गया है, तो शीश महल में चलते हैं। बारिश तेज आ चुकी है, चलिए हम उतर रहे हैं। अब यहाँ जगह जगह सीढ़ियाँ लगी हैं, आप कहीं से भी एंट्री कहीं से भी मतलब चढ़ सकते हो। कलर आप देखिए कैसा हो रहा है, बार बार में पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए इसके ऊपर टॉप पे जाने की कोशिश करते हैं, उसकी सीढ़ियाँ बाहर की तरफ है। मैं अपना हेलमेट और अपना उठा लेता हूँ, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये काफी ज्यादा अंधेरा यहाँ पे, बारिश काफी देखिए तेज हो चुकी है। नहीं चलते फिर भी इसके टॉप पर, नहीं बारिश ज़्यादा ना पड़ेगा उसके बाद चलेंगे, जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं होती इसके अंदर ही रुकेंगे। आज लगता है बारिश की वजह से बावड़ी सूखी हुई, इसके अंदर पानी आ ही जाएगा। तो बारिश हो चुकी है थोड़ी कम, तो चलिए इसके ऊपर और चल के देखते हैं। वहाँ दूसरी साइड तो हमने देख लिया था, एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या इसके ऊपर। चलो बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ मैं, ये सीढ़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं, तो चलिए देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा हो, ये इधर से जो गुरुग्राम की तरफ रोड जाता है वो दिखाई दे रहा है, और इधर झज्जर की तरफ, और यहाँ से बावड़ी दिखाई दे रही है, और इसी के नीचे से अंदर से वो ये जो सड़क निकली हुई है ये देखिए। तो यहाँ से तो हो गया काम पूरा, तो चलिए शीश महल की तरफ चलते हैं। यहाँ से तो आपने देख ही लिया होगा, बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन चलते हैं शीश महल की तरफ, वो मेन बाज़ार के अंदर है। इसके अंदर कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री है, आप जब भी आओ आप देख सकते हो, मेन रोड के ऊपर ही है, कोई एंट्री फीस इसके अंदर नहीं लगता किसी भी रुपये का, फ्री है सब कुछ, तो आप आ सकते हैं।